देख सकते हो रास्ता कितना मुश्किल है, और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दरगाह शरीफ की तरफ आपको लेकर चलेंगे। वहां पर आपकी हाजिरी कराएंगे, जियारत करवाएंगे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिक्का वहाँ चिपक गया, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है आज। देख सकते हैं अभी थोड़ा सांस फूल रही है क्योंकि लगातार ट्रैकिंग चालू है हमारी, लगातार हम लोग चल रहे हैं। टाइम हो चुका है 11:55, लेकिन रास्ता देखिए किन रास्तों से अभी हम लोग आ रहे हैं। जो बन रहा था देखे तुम्हारे, इसे तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज रोशनी आंखों में पड़ रही है। दरगाह शरीफ पे जा रहे हैं और बैठ के ही जाना है, रास्ता काफी काफी मुश्किल। डंडा ले लो ना, डंडा ले लो। पांच पीर दरगाह शरीफ पे जा रहे हैं अभी हम लोग, और रास्ता काफी मुश्किल है, इसके लिए बिल्कुल आराम से उतरना है। जैसे हम उतर रहे हैं बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, और आपको इसी तरीके से उतरना है। पांच पीर दरगाह शरीफ पे हम जा रहे हैं और बिल्कुल आराम से उतरना है, रास्ता बड़ा कठिनाई भरा है। तो देख सकते हैं हम लोग कितनी आराम से उतर रहे हैं, बिल्कुल आराम से उतरना है और बिल्कुल भी घाई आपको नहीं करनी है, आराम से उतरना है। आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है और इसी तरीके से आराम से उतरना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पांच पीर की दरगाह शरीफ पे, बिल्कुल आराम से उतरना है, यहाँ पर आप घाई नहीं कर सकते। अरे बाप रे, आराम से बराबर में उतर, नीचे देख उतर। हे अल्लाह, पहुंच गए। चलो चलो, रास्तों को पार करने के बाद अब हम उतर चुके हैं, और अभी सामने ही जो दरगाह है वहाँ पर आपको लेके चलेंगे, आप सबकी हाजिरी कराएंगे। रास्ता बहुत ही मुश्किल है, इन्हीं मुश्किल रास्तों से हम लोग। सबकी ज्यारत करवाएंगे, और इससे पहले अभी हम लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर हमने अभी कॉइन चिपकाया था, माशाल्लाह कॉइन चिपक गया था, और मुश्किल रास्ता था वो पूरा। लेकिन मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद बस अभी हम लोग कुछ ही लम्हों में जो पाँच पीर दरगाह शरीफ पहुँचने वाले हैं, और माशाल्लाह नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि नज़ारा कितना खूबसूरत है और राहें कितनी मुश्किल हैं। देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत पहाड़ है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। देख सकते हो ये वो रास्ता है, और जो ऊपर आपको चोटी पे जो पहाड़ दिख रहा है, वो जो पहाड़ चोटी पे दिख रहा है, वहाँ से नीचे उतर कर अभी हम लोग आए, लेकिन वहाँ से नीचे उतरना है बहुत मुश्किल है। वहाँ से नीचे उतरते टाइम आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है, बिल्कुल आराम से आपको वहाँ से बिल्कुल आराम से आपको वहाँ से नीचे उतरना है। और ठीक उससे थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो सिक्का है वो चिपकाया जाता है,
बाकी आप पूरा पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा कोहरे से जो पहाड़ है पूरा छाया हुआ है। और अभी क्या ले रहे? गुलाब ले रहा हूँ। अच्छा, मैं भी ले लेता हूँ ना। चले ना, बस ले लो फिर। चलो देख सकते हैं हमारे हुसैन भाई तेजी से, माशाल्लाह सुबह से ही काफी तेजी से आगे आगे चल रहे हैं। हमारा वीडियो बना, मैं आगे चल लेती हूं जाना। और हमारी माइनूर और मोहम्मद, हमारी माइनूर सबसे आगे थी, फातिमा भी सबसे आगे थी, हुसैन भाई तीसरे नंबर पे थे। और देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे लोग काफी जल्दी और काफी फटाफट चल रहे थे, हमसे ज्यादा फुर्ती वाले वहां पर बच्चे लोग चल रहे थे और अभी भी काफी आगे चल रहे हैं। और देख सकते हैं जो कोहरा है पूरी तरीके से पहाड़ों पर छाया हुआ है। तो गाइस हमने पांच पीर पे जाने के लिए अभी फूल ले लिया है, तो फूल लेके चलते हैं, दरगाह शरीफ पे फूल चढ़ाते हैं और आप सबके लिए बैठ कर वहाँ पे दुआ मांगते हैं। सभी हाजरीन के लिए बैठ कर दुआ मांगते हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए भी और आप सबके लिए मिलकर दुआ मांगते हैं। सांस फूल रही है। और फाइनली हमने हाजी मलंग का जो सफ़र था ये कंप्लीट कर लिया। हाजी मलंग की जो पहाड़ी थी वो चढ़ा ली, सॉरी हाजी मलंग की जो पहाड़ी थी हम लोगों ने चढ़ ली। अभी तक का वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। हुसैन भाई कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे हुसैन भाई कुछ नहीं कहना चाहते। जो जो लोग हमें इस मजार शरीफ को देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मुरादों को पूरी करिए। और अभी हमने सभी जायरीनों की तरफ से आपके मजार पर फूल, अकीदत के फूल, मोहब्बत के फूल पेश किए हैं। आप अल्लाह के नेक वली हैं, आप अल्लाह से दुआ करके इस दुनिया में जो भी महामारी आई है वो कोरोना नाम की महामारी को पूरी दुनिया से उठा लीजिए। इस और जिनके घर में बच्चे बच्चियां जवान हैं उन्हें नेक रिश्ते अता फरमाइए, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमाइए। इस दुनिया में अमन शांति कायम रहे उसके लिए दुआएं कीजिए। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता लेकिन आपके देने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमने जो दुआएं मांगी है वो भी और जो दुआएं नहीं मांगी है वो भी कबूल अता फरमाइए। या बाबा हमें बार बार आपके दर पर हाजिरी लगाने की वो फरमाइए। गर कर्म तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, खाली झोली हमारी आपके सिवा कौन भरेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले सल्लम सलात व सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह इलाहुल्लाह। बाबा का चिराग है, पांच पीर बाबा का चिराग है, ये जो भी अपने दिल में मन ने बोल के लगा दो उसी पढ़ के लगाने का। पांच पीर जब चिराग लगाने दीजिए मुराद पुरू दी है, एक चिराग का आधा 20 रुपए है, दरुशी पढ़ के लगाने का। बाबा का चिराग है ये, लास्ट दरगाह लास्ट सलामी है। माशाल्लाह सुबह में लगा यहाँ पर आप जो भी आपकी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। नीचे डालें इसके लिए। चलो चुप। ए माइनर ऐसा पकड़, आप लोग आते हैं आज पी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवा दी, हाजी मलंग दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवा दी और हमने आप सब के लिए मिलकर बैठकर दुआएं मांगी। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए फिर आज हाजी मलंग से इस वीडियो को अब एंड करते हैं और आज के इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और फ़ोन को मैंने दो बार
दो बार अपने फोन को चार्जिंग करके जो पूरा दरगाह शरीफ का था पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवा दी और रास्ता जो था आपने पूरा आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए फिर आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसे लगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का इस वीडियो को मैं हाजी मिलंग दरगाह शरीफ में अब यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियोज में। ट्रैक को चेक किया जा रहा है, वहाँ पे जो गाड़ी है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। 46 मिनट हो चुका है और अभी हम लोग हाजी मिलंग दरगाह से बस पकड़ के निकल चुके हैं और देख सकते हैं बाहर का पैसा बहुत बताया हाजी मिलंग में हमें और बस पकड़ के हम लोग निकल चुके हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। खेत का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ शाम का और सुबह जब आए थे फ्रेंड तो पूरा कोहरा छाया हुआ था, पूरा का पूरा कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आप लोगों ने देखा ही था पूरा कोहरा छाया हुआ था और सनराइज अब शाम होने को है और सूरज बस डूबने को है देखें और हमारी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है देख सकते हो। चलिए बैटरी और बिजली ख़त्म हो चुकी है वरना मैं और आगे तक शूट करता और ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखाता, लेकिन चलिए फिर आप इस वीडियो को भी एंड करते फिलहाल एंड तो मैंने 5 मिनट में कर दिया था लेकिन मेरे दूसरे में थोड़ा बहुत चार्जिंग कर दिया तो शाम का नज़ारा आप लोगों को दिखा दूँ। चलिए टेक केयर, बाय बाय।